हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू येट अनदर व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे से होंगे एंड थैंक यू फॉर शोइंग योर सपोर्ट माय प्रीवियस व्लॉग्स। सो आज हम आए हैं जिम कॉबिट के विलेज छोटी हल्द्वानी में फिर से। ज़्यादा समय था नहीं और जब मैं लास्ट टाइम यहाँ से गया था तो उस समय इस इलाके में हमसे बोला गया था कि एक लेपर्ड के बारे में मैंने आपको बताया था जिसने लास्ट ईयर एक किल किया था। उसी इलाके में देर इज़ अनदर लेपर्ड दैट हैज़ बिकम एक्टिव एंड इट्स बीइंग सीन वेरी फ्रीक्वेंटली। आज हो गई है बारिश। जहाँ हम रुके उसके बाहर का ये जंगल है, पीछे बोर नदी है। सो ऐसे मौसम में आई डाउट आए ना आए, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। सो थोड़ी सी अभी अंधेरा होता है, सो वी आर गोइंग टू हेड टुवर्ड्स दैट प्लेस एंड सी इफ यू कैन गेट अ ग्लिम्स ऑफ दैट लेपर्ड। हाउएवर इट हैज़ बिकम वेरी एक्टिव। और आज मैं आपसे एक शख्स की मुलाकात कराऊँगा, दी ओनर ऑफ द रिजॉर्ट वेयर आई एम स्टेइंग, क्योंकि ही इज़ अ प्रोफेशनल बर्ड वॉचर। देखिए बारिश में धुला हुआ जिम कॉबिट का विलेज। ये जिम कॉबिट के जंगल से ही लगता है ये इलाका, और ये हमारा रिजॉर्ट है। अंदर सोलर फेंसिंग्स कर रखी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवरों का, स्पेशली हाथियों का और लेपर्ड का काफ़ी ख़तरा रहता है। ये हमारे रिजॉर्ट की एंट्री, एकदम बरसात से घना हो चुका है। यहाँ पे इन्होंने कुछ बैठने के लिए बनाया, यहाँ से बर्ड वॉचिंग वगैरह करते हैं। और कुछ नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे, हम लोग रुके हैं। काफ़ी अच्छा खाना है यहाँ का, द होस्ट इज़ वेरी हॉस्पिटेबल। सामने तुलसी जी लगी हुई हैं, यहाँ से पीछे का आपको कुछ नज़ारा दिखाते हैं। धान रोप दिया गया है, सो धान से लहलाते हुए खेत यहाँ के, द स्केयरक्रो। और यहाँ से ऊपर पहाड़ियाँ दिखती हैं अभी, क्योंकि बारिश हो रही है शायद वहाँ पे, तो बादलों से ढका हुआ है वो इलाका। सो अभी थोड़ी देर में हम लोग चलेंगे एक छोटी सी नाइट ड्राइव के लिए, देखते हैं लेपर्ड मिलता है नहीं मिलता है। मिला तो बहुत अच्छा, नहीं तो रात का जंगल एंजॉय करेंगे। सो बने रहिए और जंगल की आवाज़ को एंजॉय कीजिए। रात में यहाँ पे थोड़ा सा ख़तरा भी रहता है, सोलर फेंसिंग बिल्कुल रिलायंट होती नहीं है 100%। और ये खेतों के चारों तरफ देखिए और इस तरफ देखिए, ये पूरा जंगल है यहाँ पे। सॉरी ये एसी की आवाज़ आ रही है, सो प्लीज़ इग्नोर दैट। सो जैसे बेटा मेरा अंदर है, यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल। चलिए मिलते हैं आपसे। इस लेपर्ड ट्रेस करने निकल रहे हैं हम लोग, हमारे साथ हैं हमारे रिजॉर्ट के ओनर हरीश भैया। आप कितनी बर्ड्स के बारे में जानते हैं? बर्ड्स से लगभग होगी 350 प्लस होगी। 350 प्लस बर्ड्स। तो कल इनके साथ हम जाने वाले हैं बर्ड वॉचिंग के लिए। अभी सीन क्या चल रहा है हरीश भैया? अभी तो लेपर्ड का बहुत अच्छा मूवमेंट है यहाँ पे। हाँ, आजकल सख्ताई भी कर रही है फॉरेस्ट वालों ने। अच्छा। हाँ, क्योंकि बीच में लास्ट ईयर तो लेपर्ड अटैक कर गया था एक बार एक बच्ची को। हाँ, तो इस वजह से आजकल मूवमेंट हो रहा है, बिल्कुल सेम टाइम हो गया है, सेम जगह। चलिए देखते हैं। कंटिन्यू दिख रहा है वहाँ पे, फॉरेस्ट वाले मना भी कर रहे हैं, ज्यादा देर रुकने नहीं दे रहे वहाँ पे। बता देना एसी बंद कर दूंगा अगर आपको कॉलिंग वगैरह चाहिए होगी तो, सुननी होगी तो। यहाँ वाली लेपर्डस खा गई जो यहाँ दिखती थी, जब से फेंस हुआ है ना तब से थोड़ा सा उसने डिस्टर्ब हो गई बेचारी, चेंज कर दिया अंदर वाले रूट में। नदी है सामने। हाँ हाँ, 20 मीटर आगे। वहाँ तो नहीं जा सकते ना? हाँ, वहाँ भी जा नहीं सकते क्योंकि आजकल क्या है, वैसे विंटर में समर में हम थोड़ा बहुत जा सकते हैं, लेकिन आजकल तो जंगल इतना घना हो रहा है। हाँ हाँ, कि रास्ता छोड़ते ही रास्ता मिलने को राजी नहीं, इतना घना जंगल होता है। जब टॉर्च मारोगे ना भैया, हाँ, आँखों को देखना, उसकी आँखें चमकती साली, रिफ्लेक्शन मारती है। हाँ। और लेपर्ड का क्या होता है, अगर एक ही जगह टॉर्च मारी साला कुछ नहीं करेगा, आपको टॉर्च ऐसे ऐसे घुमानी पड़ेगी, तब जाके वो टॉर्च को फॉलो करेगा, उसी में उसकी आंखें चमकेंगी अगर होगा तो। अभी थोड़ा सा रह जाता है मेन नोट। ये ट्रिक मैंने किससे सीखी? ये ट्रिक मेरे को बताई इन्होंने, ये जॉय वकील है ना, नाम सुना होगा, लखपत रावत के साथ शिकार पर जाते जॉय वकील बॉडी के, उन्होंने बताई मेरे को ये ट्रिक। उन्होंने भी कम से कम, जॉय वकील साहब ने 37 लेपर्ड्स मार दिए। लखपत रावत जी की तो 50 पूरी हो गई,
मैनिटर। हाँ हाँ 37 मैनिटर मार दिया यार उन्होंने। एक हमारे यहाँ पे थे ना थोड़ा बात के, जी जी ठाकुरदास जोशी नाम, ठाकुरदास जोशी तुम्हारे गए। हाँ अब वो एक्सपायर हो गए तो दूसरे मिनी जिम कॉर्बेट थे। ठाकुरदास जोशी की एक कहानी है, लखपत सिंह रावत ने बताई थी। ये सुंदरखाल मैनिटर जब मारने गए थे ये लोग, उन्होंने मतलब कई मारे भी कई, मतलब कई है उनकी। मैनिटर ऑफ सुंदरखाल वाला जो था ना, जो 2010 में मारा था टाइगर, उसमें ठाकुरदास जोशी शामिल थे। ठाकुरदास जोशी थे और यहाँ पे एक इधर मारा था ना पॉलगढ़ में, जी जी पॉलगढ़ में भी मारा भी बीच में ना, तो उसके बाद तो वो एक्सपायर हो गए थे फिर वो टाइगर मारने के बाद। उनके तो 2010 में भी काफी एज थी। सो यहाँ से मेरे को लेफ्ट लेना पड़ेगा शायद, यहाँ से ले आते हैं। ये आ गए नैनीताल रोड पे। ये वन विभाग वाले पहचान गए आपके? हाँ हाँ सारी टीम अपनी है, हमारा काम ही वन विभाग का ही है। अच्छा भाई ये है कि ऑन रोड पे हम लोग कितना दूर है भैया यहाँ से? ज़्यादा नहीं, यहाँ से हम मुश्किल से 1 किलोमीटर भी नहीं होगा जहाँ पे हम रुकेंगे। जस्ट 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर ले। सो यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है और जो मोमेंट है ना वो तो बस आ ही गया समझ लो थोड़ा सा आगे। अच्छा हाँ यहाँ से जंगल स्टार्ट हो गया। पिछली बार हम आए थे तो काफ़ी लोग भी घूम रहे थे, अब लोग भी नहीं घूम रहे। लोग देखो है नहीं ना वहाँ पे, कुत्ते तो साले ऐसे घूम रहे, कुत्ते घूम रहे हैं अभी क्योंकि एक्टिविटी है ना। घर के सब दरवाजे खुले हुए हैं, लाइट हाइट खुली हुई है, थोड़ा सा लाइट हाइट का सिस्टम। कितने ऊपर जाएंगे हम? हमें कहीं यहीं कहीं आसपास रुकना पड़ेगा, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पे रुकेंगे हम। ऐसे आ रहा है या साइड से जा रहा है? देखो ऐसा ना ये आ रहा है जंगल इधर को है, इधर से ऐसे पहले यहाँ क्रॉस हो रहा है जहाँ गाड़ी खड़ी है, यहाँ से फिर यहाँ से पूरी एक्टिविटी देखते हुए फिर इधर को निकल रहा है, क्योंकि इधर से निकल के फिर वापसी अपने वहाँ को। हाँ रोको फिर गाड़ी के थोड़ा आगे लेते हैं, ये बैंड है यहाँ पे, बैंड वहाँ पे कहीं पे क्रॉसिंग है उसकी। ये FRH है? ये यहाँ पे है नर्सरी और यहाँ पे FRH भी है, फॉरेस्ट वालों का ना, फॉरेस्ट का भी है, केनाल वालों का भी है, यहाँ पे PWD वालों का भी है। यहाँ पे लगा दीजिए आप गाड़ी यहीं पे। यहाँ पे गड्ढा तो नहीं है? ना ना चलो लाइट ऑफ करो या क्या क्या करूं? लाइट तो ऑफ करनी पड़ेगी पहले, थोड़ी देर गाड़ी बंद करनी पड़ेगी। रुको पीछे लाइट बंद कर, जल्दी कर बंद। शीशे खोलने पड़ेंगे, थोड़ा आवाज कॉल का भी मोमेंट रहेगा ना। पंगे बने रात का जंगल, बिल्कुल बिल्कुल चुप रहना। हाँ अगर आया तो सीधा ये कर देना, मैंने ऐसे इस मोमेंट पे आ जाए ना जैसे वहां से गाड़ी आ रही हो। एकदम क्रॉस हो रहा है ना उसकी लाइट से दिखे, रुक रहा है एकदम क्रॉस मार रहा है? नहीं नहीं वो तो मोमेंट ऐसा है ना, वो तो निकल गया गाड़ी नहीं आई तो सीधा जाना है, गाड़ी आ गई तो रुक जाएगा। अच्छा यहाँ से क्रॉस कर रहा है ना? यहाँ से क्रॉस कर रहा है। जंगल ऊपर से आ रहा है? हाँ ये पूरा फॉरेस्ट का एरिया है ना पूरा। ये मंगोली साइड से आ रहा है क्या? ना ना इसका तो यही, ये तो यहीं का है ना। अच्छा अच्छा इसकी तो टेरिटरी ऐसी होगी 3-4 किलोमीटर का दायरा होगा। ये लोग यहाँ पे गाड़ियाँ क्यों लगा रहे हैं? लेपर्ड देखने के लिए? हो सकता है गेस्ट होंगे तो हो सकता है ना। अच्छा एक्टिविटी इसी स्पॉट पे है? हाँ यहाँ से है, और क्योंकि इधर जाके ये पूरा ये भी पूरा पैच है जंगल का, किनारे किनारे आबादी है, यहाँ से क्या है ना नहर है बीच में, जी नहर के इस तरफ अपना वहाँ से जो है मूवमेंट होता है। अच्छा अच्छा तो कुत्ता उत्ता बाहर आया है तो वहाँ से किनारे किनारे ऐसे निकलता है नहर के किनारे किनारे। अभी परसों कब दिखा था बता रहे? ये 2-3 दिन लगातार आपके जाने के बाद ना, हाँ हाँ 2-3 दिन ऐसा दिखा कि लोगों ने मोबाइल से पिक्चर बनाई है, न्यूज में भी आया था वो, अखबार में भी डाला था। ऐसा तो नहीं साला पीछे से क्रॉस कर जाएगा? लोगों की आवाज डिस्टर्ब नहीं होगा तो जाएगा। अच्छा ये नैनीताल 33 किलोमीटर वाले पॉइंट पर आ रहा है। ये नहर से लेके हम कितना आ गए यहाँ पे, यहाँ पे तक ना
150 मीटर की तो है। हाँ 100-150 मीटर ही होगा यहाँ पे से। ये पेज में दिख रहा है वो नीचे को नहीं दिख रहा है। जो पुलिया पे कोई बैठा नहीं है, वो जो लेडी बैठी है ना बिल्कुल उसका घर ही वहीं पे है। अच्छा ये फॉरेस्ट की गाड़ी तो नहीं आगे जब आए कोई आए ना तो बिल्कुल ये कर दिया ना। आपने देखा है आपने नहीं देखा ये वाला नहीं देखा होगा ना। ये वाला तो यहाँ इस वाले का तो मैंने लेपर्ड भी देखा, टाइगर भी देखा, दोनों देखा है मैंने बाइपॉड। काफी पुरानी बात हो गई होगी। असल में आजकल जंगल के अंदर जो है ना रास्ते बिल्कुल बंद हो रहे हैं, लोकल गांव वाले भी नहीं जा रहे हैं आजकल, क्योंकि लकड़ी घास करे जाते थे वो डर के मारे, वो भी बंद चल रहा है क्योंकि जंगल बहुत ही घना है। आगे चला तो बेकार है ना, गाड़ी वालों पे तो नहीं झपट रहा ना। ना झपट नहीं रहा, जब बाइक वालों पर कभी कभी कर देता है ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हुई। अगर ऐसी एक्टिविटी होती ना तो यहाँ से तो भी 6-7 बजे बाद तो टू व्हीलर बंद ही कर देते भी। क्योंकि अभी बीच में गर्जिया से मोहाल टू व्हीलर्स रात को 8 बजे के बाद बंद बंद है, वहाँ तो बंद ही है वहाँ बिल्कुल। हमारा भी यहाँ अक्टूबर से गेट खुल रहा है अभी सफारी का ना, तो यह जानवर लाएंगे स्थापित करेंगे। स्थापित करने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे तो बहुत है। नहीं जैसे मोहान में तो एकदम रोड पे दिख जाता है ना। नहीं नहीं यहाँ भी ऐसा है ना, यहाँ दिखने वालों को तो गाड़ी वालों को कम से कम ये मान के चलिए आप दिन भर में एक आध गाड़ी वाले से मुलाकात डेली होती होगी यहाँ पे। टाइगर के लिए टाइगर लेपर्ड दोनों की, यहाँ का तो लेपर्ड भी बहुत बड़ा है जो यहाँ पे है ना उसमें बैठा रहता है। कई बार तो रोड पे जो डिवाइडर बने हुए हैं उस पर बैठे हुए। टाइम इसका यही आने का, ये टाइम हो रहा है इसका, अंधेरा होती है अपनी एक्टिविटी में होगा तो पेड़ पे भी हो सकता है ना। ये तो बहुत वो है, पेड़ में बैठ के पहले दोनों साइड देखेगा वो रास्ते के भी बैंड पे से ना, इधर भी और उधर भी देखा उसने गाड़ी गाड़ी लाइट नहीं फिर मूवमेंट करेगा। वो कैम कॉर्बेट तो जाके आते हैं, थोड़ा सीसे खोलेंगे कोई आवाज कॉल का मूवमेंट देखते हैं पहले। यहाँ रुकना बेकार लग रहा, थोड़ी देर अभी ट्रैफिक भी है ना। हाँ ट्रैफिक भी है अभी, होगा तो पेड़ में बैठा होगा क्योंकि वो तो बिल्कुल अपने उतरेगा भी तब जब उसे बिल्कुल 100% श्योर हो जाएगा। ये पीछे से करके लगा देना। अच्छा गेम तो पेशेंस चाहिए, पता लग रहा है हम ये क्रॉस है और ये निकला पीछे से हमारा। ये एक्टिविटी भी है ना अभी सफारी में, ऐसी होता है ना, वो पीछे वाली गाड़ी बताती है उन्हें भैया वो हमें मिला नहीं, अरे अच्छा हम तो 1 घंटे तो खड़े थे वहाँ। हाँ सही बात है, हम निकले तो उन्हें पूरा गढ़ उसी का है। आजकल यहाँ पूरा हाहाकार मचा पड़ा है, डेली 7-8 बजे की रिपोर्ट है ना उसकी, 8-8:30 बजे तक की। ये 8 बजे रहे जो दिख रहा है ना लोगों को इस समय, क्योंकि उसके बाद तो सब सो जाएंगे, फिर तो बगल से भी निकल रहा है तो किसको क्या पता। अभी जब ये है उसका मूवमेंट का टाइम, ये 7-8 बजे के आसपास दिख जा रहा है। इसके चक्कर में लोगों ने जल्दी खा के सोना स्टार्ट कर दिया आसपास वालों ने, किनारे किनारे वालों ने ना। अच्छा अच्छा हाँ, बच्चे वाले जो है घर में छोटे छोटे बच्चे वाले उन्हें भी टाइम से खाओ पियो। पिछले साल बच्ची के साथ ही तो किया था कार्ड उसने, 4 साल की बच्ची थी वो, पिछले साल बच्ची के साथ ही कांड किया था ना, इसी वजह से 4 साल की लड़की। दिक्कत है उन्हें भी, सतर्क रह रहे हैं बिल्कुल, 6-7 बजे अपना बिल्कुल दरवाजे वरवाजे बंद करके अंदर हो जा रहे हैं। पोर्क्यूपाइन लेपर्ड कैट कुछ भी दिख जाता है, दिखता है ना। हाँ जंगल कैट भी तो बहुत है। हाँ चांस वाली बात है, है सब चांस है। सो जा लेट जा, लेट जा लेट जा, अगर मैं उठूंगा अगर आपको टाइगर मैं उठा दूंगा तेरे को, अगर मुझे टाइगर अगर अगर आपको टाइगर दिख जाए तो मुझे चलिए उठा देना। ठीक है बेटा लेट जा, आँख ही चमक जाए ना इसकी। ऐसे मुझे नींद आती है जब आप स्लो गाड़ी चलाते हो। पता है बेटा, एक दिन मेरे पीछे रोक दी थी सीता बनी में, दिखा कुछ नहीं उस दिन, जंगली मुर्गे की ऐसी कॉलिंग हो रही थी बहुत ही, मैंने रोक दी वहाँ पे। उससे पहले सांबर की कॉल हुई, वहीं पे जंगली मुर्गे ने कर दी कॉलिंग,
भंडार पानी से नीचे राइट साइड में नीचे नदी किनारे जंगल में कर दी। टाइगर हो सकता है क्योंकि अगर बोला ना सांबर बोला, पहले सांबर बोला उसके बाद जंगली मुर्गे ने कर दी भयंकर। हाँ जंगली मुर्गी भी ऐसा अलार्म करते है ना, ये भी खतरे वाला अलग ही कॉल होगी। अरे बहुत स्ट्रेस कॉल जो होती है, अभी अभी सुनाता हूँ आपको थोड़ी देर में। एक बार ना मतलब हो गए दो एक साल हो गए ना यहाँ पे, जी जी एक चीतल मार दी शायद लेपर्ड ने मारा या टाइगर मारा, तो वो मतलब छूट के आ गई जैसे तैसे। तो यहाँ पे डिवाइडर में फंसी थी वो, तो यहाँ से नैनीताल का कोई लड़का आया हमारे जानने वाला था ना, उसने फोन कर दिया बोला यार रजीश भाई वहाँ पे जो है ये चीतल जिंदी है मगर बेकार हो गई ऐसा बोला। कह रहा क्या होगा इसका, कह रहा मैंने कहा यार फॉरेस्ट वालों को ही बताना पड़ेगा, बोला इसलिए फोन कर रहा हूँ भी करो इसका जो भी करना है, इसको बचा सकते हो तो बचाओ ऐसा कहकर चले गया। फिर मैं यहाँ पे मैं गया इधर फॉरेस्ट में, उनको भेजा मैंने, बारिश हो रही थी ये लोग आए ले गए हो, बच गई बची नहीं हूँ मगर ज्यादा ही हो गया था ना उसका कुछ सांस की नली मतलब दिक्कत में थी, तो उन्होंने कह रहे पानी वानी पिलाया उसको थोड़ा बोल गई, मगर बारिश की वजह से थोड़ी देर जिंदा रह गई वो जो भी रही आप लोगों को, मगर वहाँ से ले जाने के एक आध घंटे बाद मर गई थी। अगर टाइगर होता तो छूटती नहीं, क्या पता लेपर्ड छोटा लेपर्ड हाँ छूट गया या कैसे भी मतलब बच के यहाँ पे तक पहुँच गया हो रोड पे आ गया हो। जी जी अगर छोटा लेपर्ड होगा ना यहाँ पे उसने अपने आपको थोड़ा वो महसूस किया होगा ना, कोई गाड़ी वाड़ी आएगी तो अटैक कम होगा, तो ऐसी डिवाइडर पे फंसी है शाम के 6:30-7 बजे की बात जाड़ों के टाइम, बहुत रात हो जाती है 6:30-7 बजे जाड़ों के ना, ले गए थे अच्छी एक्टिविटी हो जाएगी अब यहाँ पे कुछ समय बाद ना, क्योंकि जब ये सफारी वाला उम्मीद है अक्टूबर नवंबर से अगर ये बन जाता है ना पार्ट तो फिर यहाँ पे तो हॉर्न भी नहीं मार सकते, फिर उससे बहुत प्रभाव पड़ेगा। अरे कुछ कोई नहीं सुनता भैया, मोहान में इतना गंदा हिसाब किताब कर रखा है पा, 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 पा। नहीं सर वो तो ऐसा है ना वहाँ तो पुराना हो गया नेशनल पार्क तो बहुत पुराना है, यहाँ जब शुरू में होगा तो स्टार्ट होगा तो यहाँ पे सकता ही होगा और यहाँ पे जगह जगह पे बोर्ड लगे जाएंगे, क्योंकि ये पूरा फिर पॉइंट कुछ और ही हो जाएगा ना फिर, ये तो ये ब्रह्मबुबू आ गए हाँ थोड़ा आगे वाला एक चौराहे जैसा है। हॉर्न से बहुत प्रभाव पड़ता है ना, बहुत ज्यादा पड़ता है। हाँ हॉर्न कम होगा तो समझ लीजिए ये मान के चलिए कि 50% एनिमल हैबिचुअल हो जाएगा थोड़ा सा। अभी जैसे सीतामढ़ी का जंगल है ना, सीतामढ़ी के जंगल में एनिमल हैबिचुअल नहीं हुआ है एकदम, भैया लेपर्ड देखा लेपर्ड ऐसा गया ना गोली की तरह। बाकी क्या एक्टिविटी है सर वहाँ पे, असल में वहाँ गांव पड़ता है आगे, हाँ भलोंग है ना, भलोंग पाटकोट अमगढ़ी ना, तो वो क्या होता है जैसे हम तो जिप्सी में गए या कार में जो गेस्ट आए वो तो गए बिल्कुल जंगल के हिसाब से, मगर वो गाँव वाले हैं वो साइलेंट जा ही नहीं सकते, उन्हें खतरा है उनका तो रोज का काम है। सही बात है, हमारी तरफ जाओगे तो वहाँ तो ऐसे पहाड़ आ जाएंगे, हम लोगों को बोलते हैं ना पहाड़ी लोग भाबरी है करके, यहाँ से भाबर स्टार्ट हो गया है भाबर स्टार्ट हो गया। लेकिन भाबर में सारे लोग पहाड़ के तो हैं, ऊपर के तो आए वो बसे वहीं के, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ बागेश्वर सब वहीं के हैं। अब हम लोग हमारे वहाँ आके ना जो मेरे घर का आखिरी वाली जो सड़क है उसमें अच्छे खासे प्लेन्स वाले बोल जाते हैं, उसमें पतली सड़क ऐसी और वो भी ऐसी पहाड़ लाइन की, अब ये रोड तो ऐसी है ना मेरे लिए आंख बंद करके चला लो इस रोड में, तो सारे बैंड याद हो गए ना, सारे बैंड याद है, बैंड का खेल है, अगर बैंड याद है तो फिर तो आदमी अब नए के लिए थोड़ा दिक्कत आ जाएगी। एक तो ये जो बाहर वाले ना इनको पहाड़ में कैसे गाड़ी चलानी चाहिए, बहुत ही रफ चलते हैं, बहुत रॉन्ग कह रहा हूं, बहुत ही कितना हॉर्न देना चाहिए कुछ नहीं आता इन लोगों को भैया। और आजकल तो हमारे अल्मोड़े में आ रहे हैं, एक दिन मैं जा रहा भिंसर है, भिंसर में गाड़ी फंसा दी उसने KMVN से थोड़ा सा नीचे, अच्छा फिर निकलवाई उसकी गाड़ी, गधे को पत्थर नहीं देखा, पत्थर में गाड़ी ऐसी झुलवा दी उसने वो तो अच्छा हो हम चले गए उसके पास ना, तो उस रोड में तो कोई जाता ही नहीं है भिंसर वाली रोड में, जब बाद में अगर हम नहीं गए होते तो फॉरेस्ट वाले पेट्रोलिंग में रहते ना वो भिंसर में, वो ही मिलते फिर बता रहा भैया कहाँ पे रोकना था। देखते हैं पहले जहाँ पे नहर है ना सर, जी जी मैं सुन रहा हूँ थोड़ा सा उससे नहर की तरफ को अभी हम रोकने की कोशिश करेंगे थोड़ा, वहाँ तो लोग दिख रहे थे यार, नहीं अभी नहीं होंगे वहाँ पे, अब नहीं होंगे देखो नहीं वहाँ पे, ये खाली एक लेडी और एक उसका बच्चा था वहाँ पे, वो भी बेवकूफ़ जैसे क्यों बैठे थे, फोन में बॉन में बात कर रहे हैं सिग्नल की थोड़ा दिक्कत है ना यार। अच्छा तब बच्चों को तो खास कर लाना नहीं चाहिए, बगल में ही घर है ना, दिक्कत भी तो यह है घर भी तो बिल्कुल जस्ट बगल में ही है ना,
बच्चों के साथ तो रिस्क ही हुआ, और जैसे हमारा छोटा है सो गया है पीछे। नहीं नहीं वो तो बच्चा थोड़ा बड़ा है साथ में ना, इसको मैं जैसे मोहन वोहन ले आता हूँ ना, जैसे लोग अपने बच्चों को धनगढ़ी नाले में पनोद नाले में उतार के नहलवाते हैं, मैं कभी नहीं उतार जाता उनको। सबसे रिस्की पॉइंट है पनोद नाला और धनगढ़ी नाला। धनगढ़ी नाला पता नहीं है ना, बहुत से लोगों को दिक्कत ही आ जाती है। एक दिन मैंने डांट दिया एक को, कहा भाई साहब टाइगर मूवमेंट प्लेस है यहाँ से, इसका क्रॉसिंग पॉइंट है। अरे भाई साहब हमें पता ही नहीं था, भागे यहाँ से। बहुत लोगों को खेल समझते हैं ना, लाइट में तो आएगा नहीं, हो क्रॉस ही से हो रहा है वो, यही तो दिख रहा है ना यार। फोटो तो यहीं की आ रही है, फोटो इसी की आ रही है यहाँ पे। कहाँ रोको फिर? एक मिनट यहाँ पे रोको, यहीं पे थोड़ा साइड दबा कर। कितना दबा होता है? 5 मिनट रुकना है बस, हमने ज़्यादा नहीं। मूवमेंट देख लेते थोड़ा, और दबा दो। बस 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 बहुत है। एक बंदा बैठा है बस, नहीं तो पुलिया में 5-5, 7-7, 10-10 जने यहाँ पे कंटिन्यू। ये तो बिल्कुल यहीं पे गए हैं ना, यहाँ गाड़ी खड़ी वाला घर है इनका। तुम्हारे पीछे आके भी कोई रुक गया? काम करते हैं सर, इसे पर थोड़ा कोटावा वाले रोड घूम के आते हैं, थोड़ा सा टाइम हो जाएगा यहाँ पे, तो फिर मुझे लग रहा है सब सही रहेगा। आधे घंटे बाद आ जाते हैं फिर। क्या पता कुछ बन जाए। नीचे उतरने की नहीं रह रही? नीचे उतर के कुछ करना है? नहीं नहीं मैं पूछ रहा था नीचे, क्योंकि ये जंगल आपको आपको पता होगा ना, आप जैसे अल्मोड़ा आते हो ऐसा ना, देखो हम लोग तो लोकल के अभी लड़के खड़े हैं ना वहाँ पे, वही तो मैं कह रहा हूँ। अगर एक ही लड़के को खड़ा कर दिया जाए वो नहीं रुक सकता। अरे अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में मेरे को पता कहाँ उतरना है जंगल में, और कहाँ नहीं उतरना वो भी पता है। अरे सर ये तो पूरी रिस्की जगह है ना, यहाँ तो पूरा सुनसान जंगल ही है, फिर सब जानवरों का क्रॉसिंग का भी है। मतलब जैसे मैं बिनसर जाता हूँ, बिनसर में बीच में कहीं नहीं उतरता हूँ बिनसर में। अब बिनसर भी तो पूरा वही जंगल है ना नीचे, 6-7 किलोमीटर, और वो साला बाज इतना घना कर दिया वहां पे। तो विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला? हाँ हाँ, मेरे घर से आधा घंटा लगता है जाने में। अच्छा, थोड़ा पानी का भी बहुत वो रहता है ना सर, पानी का सीन। जैसे इधर नदी है इस तरफ, क्रॉसिंग का भी है पॉइंट, यहाँ से पानी पीने के लिए नदी की तरफ जाता है। आजकल पानी हर जगह पे अवेलेबल है। सर्दियों में कहाँ रहेगा? सर्दियों में तो है जो ग्रास लैंड होता है ना सर, तो मतलब चारों तरफ जंगल और बीच में कहीं साइड में ग्रास लैंड और छोटे छोटे वहाँ पे, जैसे तुम्हारा ये लाल पहाड़ी के बगल में सीतापुरी में। सीतापुरी में उधर कुछ है ना, वो लाल पहाड़ी जहाँ पे वो, वही देखा हमने, काल फिल्म की शूटिंग हुई है वहाँ पे। हाँ हाँ वही देखा हमने टाइगर। हाँ बहुत बड़ा ग्रास लैंड है, इधर भी उधर भी दोनों साइड है, दोनों साइड है। ये वाला तेंदुआ डर नहीं रहा यार? फिर बदबू आ गई गाड़ी में। डर कहाँ रहा है ये वाला? ये इन्होंने जो पिछले साल आदमखोर पकड़ा था, ये असल में 3-4 ऐसा था ना सर, ये बच्चे हुए होंगे लॉकडाउन में, इनकी तादाद बढ़ गई। जी जी क्योंकि डिस्टर्ब नहीं हो पाए। नहीं ऐसा तो नहीं है वो जिन्होंने आसपास छोड़ दिया पिछले साल वाला और फिर वापस आ गया? ना ना, वो तो दूसरे बच्चे, ये जो है बच्चे जितने भी हुए सब पल गए संभल गए वो सर। उसको अगर हमारी गाड़ी दिख गई ना जैसे, तो वो हमसे भी ज्यादा पेशेंस वाला बेटर रहेगा वो। ये भी जैसा हमारी खड़ी है एकदम, कोई मूवमेंट नहीं है। कहानी तो सर डेली रात आ रहा है ना, एक्टिविटी रोज की हो रही है सर ना, दिक्कत ये तो है। फिर गोलीबारी तो कर ही रहे, हार्ड रोड और होटर वोटर फेरिंग वेरिंग हो रही है। मतलब जिसने कहा फोन आ गया सर, मेरे यहाँ पे वो कुत्ते भोंक रहे हैं, यहाँ पे एक्टिविटी कुछ लग रही है, कहा तो फॉरेस्ट वाले गए यार, फायर आयर करी, होटल वोटर बजाया, उसमें फिर वो भाग जाता होगा। तो फिर गोली की धमक तो मतलब सर आवाज तो आवाज ही है ना। सही बात है, क्योंकि यहाँ पे भी एक नाला है सर, यहाँ पे नाला है थोड़ा सा, मतलब 20 मीटर अंदर वो नाले से ऊपर चढ़ के ये वाला पॉइंट है उसका क्रॉस करने का। नीचे आबादी है, ये एक है वो कैंप कॉर्बिट के वहाँ पे होटल है, भाग जाते होंगे ना।
लेकिन भैया आपकी दिवाली के रोज टाइगर की कॉलिंग सुनी थी, आप तो खाना देके चल दिए थे ना। मैंने भी सुनी और जो पीछे ओनर थे वो भी बहुत ही खतरनाक रहा हूँ हमारे वहाँ पे। तो वो टाइम पे ऐसा टाइम आता है ना जाड़ों का,